हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये अमेजिंग सा आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको दो आई मेकअप लुक बताऊंगी इसी एक वीडियो में। आई थिंक तीन आई मेकअप मैं आपको बताऊंगी यूजिंग लिपस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ और मेरा बेस मेकअप ऑलरेडी हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि ये आई मेकअप ट्यूटोरियल है तो इस पे मैंने बेस मेकअप नहीं बताया। इससे पहले मैंने शूट किया था, उस पे मैंने बेस मेकअप का अच्छे से डिटेल बताया था, वो वीडियो काफ़ी पहले अपलोड हो चुका है। आईब्रोज मैंने कर लिया और उसके बाद स्पूली ब्रश की हेल्प से मैं उसे फिल कर रही हूँ। आईब्रोज के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आप इजीली पेंसिल से आईब्रोज कैसे फिल कर सकते हो बिगिनर हैं तो। नाउ आई एम यूजिंग दिस फोर लिपस्टिक्स फ्रॉम माई ग्लैम। ये चारों ही लिट लिक्विड लिपस्टिक हैं, ट्रांसफर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, सो ऐसे आई मेकअप के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट शेड लिया एंड बिल्कुल ज़रा सा इनर कॉर्नर पे लगाया, फिर उसे थोड़ा सा डार्क वाला शेड लिया और उसे भी सेम मोटाई का लगाया, फिर और डार्क वाला शेड लिया और उसे मैंने सेंटर पे लगाया। बिल्कुल जोड़ते हुए लगाते जा रही हूँ मैं। अब ये जो लगाया मैंने लास्ट वाला शेड, ये मैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा छोड़ दे रही हूँ, बिकॉज ब्लेंड करते वक्त वो आउटर कॉर्नर पे थोड़ा स्मज हो ही जाएगा। मैंने ये फ्लैट शेडो ब्रश लिया है और मैं इसे अपने आईज़ के ऊपर प्रेस कर रही हूँ। अब आप बोलोगे यार, सारी चीज़ें जब मिक्स ही करनी थी तो फिर अलग अलग क्यों लगाया, एक के ऊपर एक क्यों नहीं लगाया? आप वैसा करके देख लेना, दोनों का इफेक्ट बहुत ही अलग आता है। इनर कॉर्नर पे जो मैंने लाइट शेड लगाया था उसका इफेक्ट इनर कॉर्नर पे अलग से दिखाई देता है। अगर मैं चारों शेड्स एक के ऊपर एक लगाकर मिक्स कर देती तो वो हलवा बन जाता और वो बहुत ही अलग ही दिखता। बट ऐसा करने से अगर आप लाइन बाय लाइन लगाएंगे तो अच्छे से वो शेड ग्रेडियंट दिखाई देता है। मैंने ब्रश के टिप में थोड़ा सा ले लिया अपने आईलिड पे रब करके और मैं उसे लोअर लैश लाइन पे हल्का सा स्मच कर रही हूँ ताकि जो मेरा लोअर लैश लाइन है वो भी ग्रेडियंट दिखाई दे। अब जब तक ये लिपस्टिक पूरी तरह से सूख नहीं जाती तब तक मैं इसे स्मच कर रही हूँ, इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंडेड लुक दिखाई दे, बिकॉज लिपस्टिक का काफ़ी सॉलिड लुक आता है एंड आई मेकअप में सॉलिड लुक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ब्लेंडेड लुक ही अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हो ब्लेंड हो चुका है। दूसरी साइड पे भी मैं यही करूँगी, दूसरी साइड पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि अपोजिट साइड पे हम आई मेकअप करने के टाइम पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है, हाथों का मूवमेंट अलग हो जाता है। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे और कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ, जो मैंने राइट साइड में लगाया उससे थोड़ा कम कम क्वांटिटी में मैं लगा रही हूँ। क्वांटिटी उतनी ही है बट थोड़ा सा जो थिकनेस है वो मैं कम कर रही हूँ, और लास्ट वाला जो ब्लू शेड मैंने लगाया वो तो मैंने और भी कम लगाया। अब उसके बाद मैंने ये जो ब्रश है इसका दूसरा साइड क्लीन था, उस साइड से मैं इसे स्मच कर रही हूँ। सेम साइड से स्मच करती तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही मिक्सअप हो जाता। अब मैंने ये ब्लश ले लिया, ये शेड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये लिया है क्रीज लाइन के लिए। अगर आपके पास आई शेडो है तो आप आई शेडो भी ले सकते हो। मेरे पास वैसे आई शेडोज हैं बट मुझे ढूंढना पड़ता, और अभी मुझे माइग्लैम का भी एक वीडियो बनाना था इंस्टाग्राम में शेयर करने के लिए, मंथली शेयर करना होता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए माइग्लैम के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए। अच्छे से मैं दोनों साइड पे बराबर ब्लेंड कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि दोनों साइड पे बराबर है या नहीं। एंड आप देख सकते हो क्रीज पे ट्रांजिशन शेड देने के बाद आई मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने अब ये लिया है ग्लॉसी लाइनर, मैट आई लाइनर नहीं लिया इस बार, मैंने ग्लॉसी लाइनर लिया क्योंकि मैंने आई शेडो मैट लगाया तो सोचा आई लाइनर मैं थोड़ा सा ग्लॉसी लगा लूँ। पतली सी विंग बनाई है और मैं बस नेचुरली आई लैशेस के ऊपर, मेरी जो नेचुरल आई लैश वाली लाइन है उसके ऊपर आईलाइनर लगा रही हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लगाती हूँ, पहले आउटर कॉर्नर कंप्लीट करती हूँ फिर सेंटर से लेके इनर कॉर्नर तक कंप्लीट करती हूँ, और इस तरीके से आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रही हूँ। जो विंग मैंने बनाई है वो बिल्कुल सीधी दिखाई दे, हल्का सा मैं उसे लंबा कर रही हूँ, और ये हो गया मेरा आईलाइनर का काम ख़त्म। ये बिल्कुल स्पार्कली इलेक्ट्रिक ब्लू शेड का काजल है मनीष मल्होत्रा का, ये मैं लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। कभी भी यार बेस मेकअप करने के बाद ना फिंगर से आईज को खींचना नहीं काजल लगाते वक्त, जो यूजुअली हम करते हैं। ऐसा करने से ना जो
कंसीलर्स हैं या फिर फाउंडेशन है उस पे फिंगर के निशान पड़ जाते हैं क्योंकि मेकअप जो है अच्छे से सेट नहीं हुआ होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। सो ये माई ग्लैम का ही ट्विस्टेड मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है एंड बहुत ही अच्छे से लैशेस को सेपरेट कर देता है। पर्सनली भी मुझे काफ़ी पसंद है, बस इसका वॉन्ड थोड़ा सा अब ख़राब हो चुका है। काफ़ी आई थिंक वॉन्ड की ब्रशेस इसके अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। लिपस्टिक के लिए मैंने ये लिया है माई ग्लैम का अल्टीमेट लॉन्ग स्टे मैट लिक्विड लिपस्टिक जो कि ट्रांसफ़र प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड ये है इसका शेड। ये पूरी तरीके से ड्राई होने के बाद मैट हो जाएगा, अभी तो थोड़ा गीला है। आई मेकअप यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे आपको एक और आई मेकअप बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि तीन लुक में से आपको कौन सा अच्छा लगा। ये है लिट आई और शिमर फ्रॉम माई ग्लैम। बिल्कुल ज़रा सा मैंने ब्रश को टच किया और इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये ऐसा करने से ना आपकी आंखें थोड़ी सी वेकअप लगती है, थोड़ी ब्राइट आइज लगती है। अगर आपको बहुत स्लीपी स्लीपी सा लुक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं थकी हुई हूँ और मेकअप भी उसे ढक नहीं पा रहा है, तब ये आई मेकअप ट्राई कर सकते। अब मैंने ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश पे भी ले लिया, बिल्कुल सिर्फ टच किया है शिमर पाउडर को और उसके बाद इसे ब्लेंड कर लिया आईलेट पर। आप देख सकते हो दोनों आईलेट्स पे डिफरेंस, ये बिल्कुल शिमरी ग्रेडियंट लुक हो गया, बिल्कुल रैम्बो जैसा, और ये सेकेंड वाला जो है जो कि मैट लग रहा है। सो ये तीन आई मेकअप लुक मैंने शेयर किए थे, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो एंड ब्राइटन इनर कॉर्नर्स भी हैं। सो मैं दूसरी साइड पर भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो आज का ये ईजी आई मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। सो दिस इज़ द फाइनल आई मेकअप लुक। आई लाइक द थर्ड वन एंड जो सबसे पहले किया था मैट वाला वो भी बहुत ही अच्छा था। इनर कॉर्नर वाले की मैं ज़्यादा फैन नहीं हूँ बट आजकल का ट्रेंड है सो समटाइम्स कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।